और यहाँ से राम मंदिर की जो भूमि है, जो जहाँ पे उनका मंदिर है, वो बस 400 मीटर की दूरी पे है। हनुमानगढ़ी जहाँ पे महावीर जी का स्थान है, वो मात्र यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। हम लोग दोस्तों कहीं पर भी जब अपने घर से दूर जाते हैं घूमने के लिए या फिर किसी भी तीर्थ स्थल पे, तो हम लोग का मन में बस एक ही ख्याल आता है, सबसे पहला कि हम लोग रहेंगे कहाँ और जहाँ पे रहेंगे वहाँ से मंदिर और स्टेशन की दूरी कितनी रहेगी। तो मैं दोस्तों आज आप सभी को बताऊँगा अयोध्या की सबसे अच्छी और सबसे अच्छी प्लेस पे एक होटल, जिससे राम मंदिर की दूरी भी बहुत ही नज़दीक है और अयोध्या रेलवे स्टेशन की भी दूरी बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं इस होटल के ओनर से और जानते हैं इस होटल के बारे में। राम राम भैया जी। राम राम। सबसे पहले भैया जी आप बताइए कि आपके होटल का नाम क्या है? हमारा होटल का नाम है रामानंद पैलेस। और ये जो होटल है भैया जी, ये रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है? करीबन 150 से 200 मीटर बस। और यहाँ से राम मंदिर कितनी दूरी? 400 मीटर रहेगा। और हनुमानगढ़ी कितनी दूरी पे है? रहेगा। और सरयू जो नदी है वो कितनी? वो 2.5 किलोमीटर रहता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सारा जो मंदिर है वो 1 किलोमीटर का ही रेडियस पे आपको इस होटल से मिल जाएगा। जैसे कि आप सुन चुके हैं कि 200 मीटर की ही दूरी पे यहाँ का अयोध्या धाम का जो रेलवे स्टेशन है वो मिल जाएगा। और यहाँ से राम मंदिर की जो भूमि है, जो जहाँ पे उनका मंदिर है, वो बस 400 मीटर की दूरी पे है। हनुमानगढ़ी जहाँ पे महावीर जी का स्थान है, वो मात्र यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। और सरयू नदी जहाँ पे राम भगवान ने जल समाधि दी थी, वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो और जानते हैं भैया जैसे कि यहाँ पे रेट क्या होने वाला है होटल का? तो भैया जी इस होटल का जो रेट है वो स्टार्टिंग प्राइस क्या है? हमारा स्टार्टिंग प्राइस अलग अलग रूम है, उसके लिए आपको 800 से लेकर 2000 तक रूम है। एसी या नॉन एसी? एसी नॉन एसी सभी आपको मिल जाएगा। 800 रुपए में जो भैया रूम रहेंगे वो नॉन एसी? नॉन एसी है। कितने आदमी रह सकते हैं? अब 4-5 आदमी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऐसा बहुत कम होटल में होता है कि एक ही रूम में आप 4-5 आदमी रह सकते हैं, क्योंकि इनका जो रूम है वो काफी बड़ा है। और अगर आप 2 या 3 आदमी आते हैं तो काफी कम्फर्टेबल फुल से यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन भैया जैसे बोल रहे हैं कि आप 4-5 आदमी भी रह सकते हैं, जो कि कोई भी होटल में लगभग अलाउ नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है होटल की। और जानते हैं होटल के बारे में, तो यहाँ पे जो है वो पानी भी आपको फ्री में मिल जाएगा। फ्री पीने का पानी मिलेगा आपको, बिस्लरी पानी चाहिए तो भी मिलेगा, खाना का भी, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। और भैया जी इस होटल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैमिली वाले को यहाँ पे आने वाले हैं या ग्रुप के सभी मेंबर यहाँ पे आने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है आदमी की? अपना चल 40 से 50 तक है कैपेसिटी है। आप और भी आपको चाहिए तो हमारा बाजू में भी है, बगल में है, और भी आपको इंतजाम कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से आप 40 से 50 आदमी इस होटल में एक साथ रह सकते हैं। और ये जो होटल है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, आपको सब चीज़ यहाँ पे नया नया मिल जाएगा। यहाँ पे रहने की अच्छी फैसिलिटी है, पानी मिलता है, और यहाँ से क्या है कि सब जगह जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। और इससे जस्ट आगे में खाने की खूबसूरत बहुत ही अच्छी एक होटल है, हम वहाँ पर भी जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पे आपको क्या क्या खिलाया जाता है। तो जानते हैं भैया से चेकआउट और चेक इन के कब कब रहता है भैया? तो चेकआउट यहाँ पे चेकआउट रहे आफ्टरनून 11:30 to 12 बजे तक रहेगा। तो आप कभी भी आइएगा तो 12 बजे चेकआउट। तो ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि 12 बजे यहाँ पे चेकआउट मिलता है, जो लगभग अयोध्या के लगभग सभी होटल में ऐसा होता है कि 12 बजे तक यहाँ पे चेकआउट हो जाता है। तो भैया जी हम आपका नंबर इसे अपने YouTube के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आपसे जो भी संपर्क करेगा मेरे वीडियो के थ्रू, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर कर दीजिएगा। हाँ, आप पहले आप तो आइए देखिए, आपको समझ में आए तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो देख सकते हो तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हम इस जो होटल है इसका जो लोकेशन है वो भी वहाँ पे सबमिट कर देंगे, डाल देंगे, और इनका मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, जिसके थ्रू आप घर बैठे इनसे बात कर सकते हैं, अपना कमरा जो है, अपना जो रूम है वो बुक कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पे ऑनलाइन अगर कोई भी एक वीडियो के माध्यम से अगर आपका रूम को बुक करना चाहता है, तो आपको नंबर पे अगर कॉल करेगा तो और कुछ एडवांस पेमेंट कर देगा तो वो रूम तो बुक हो जाएगा ना? हाँ, कुछ भी एडवांस दे दिया तो आपका बुक हो जाएगा। आपको 2 रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए, जो भी चाहिए आपको बुक हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप चाहते हैं घर बैठे रूम बुक करना सबसे अच्छा जगह में, हम यहाँ पे रह चुके हैं 2 दिन अभी और हमको सारा चीज़ यहाँ पे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि यहाँ से सभी जो मेन यहाँ पे मंदिर है, सबसे मेन तो मंदिर राम जन्मभूमि है जो बना हुआ है, और यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी बहुत ही नज़दीक है, 1 किलोमीटर के अंदर में दोनों आ जाएगा।
और यहाँ पे जो है ये होटल के बारे में भैया बोल रहे हैं, और हम भी यहाँ पे रहे हैं तो हम भी देखे हैं कि ये जो होटल है पूरा क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, बार बार यहाँ पे सफाई होते रहती है, और यहाँ पे एक जो अच्छे से जो वेटर है वो भी आपके पास जाते रहते हैं, कोई भी चीज़ का जरूरत होता है तो आपको वहाँ पे पहुँचाया जाता है, और सब चीज़ साफ़ सुथरा मिलेगा। और साफ़ सुथरा रहने का सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि अभी राम मंदिर तो यहाँ पे एक साल भी नहीं हुआ बने हुए, तो ये सब जो होटल है ये लगभग अभी बहुत ही ज़्यादा नहीं है, तो आपको सब चीज़ नया नया यहाँ देखने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस होटल में। ये जो होटल ये कितने फ्लोर का है? थर्ड फ्लोर। ये होटल जो है ये थर्ड फ्लोर का है, आप चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे ग्राउंड फ्लोर में भी रह सकते हैं, या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में भी रह सकते हैं, अगर जैसा रूम जहाँ पे अवेलेबल रहेगा आप पसंद के अनुसार से अपना देख लीजिए और यहाँ पे रह लीजिए। तो ठीक है भैया, तो राम राम। राम राम, नमस्ते। और आइए इनका होटल में, आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आइए फिर देखिए, हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग के लिए आपको निराश नहीं करेंगे। हम तो देख सकते हैं भैया भी बहुत ही दिल खुश मिजाज के आदमी हैं, वो आप मेरे वीडियो के माध्यम से आइए और बताइए, जिसने अपना वीडियो बनाया था उनका ही बॉक्स से हम आपको कॉल कर रहे हैं, तो ये भैया बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा कॉपरेटिव है भैया, एक दो घंटा आगे पीछे भी होता है तो ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा होटल भी है, तो धन्यवाद दोस्तों।